हे गाइस, अगर आपको HDFC बैंक की लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए तो फाइनली गाइस आप सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं। देखिए दोस्तों, 2023 में HDFC बैंक एक न्यू लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेकर के आई है, जिस क्रेडिट कार्ड की ना ही आपको ज्वाइनिंग फी देनी है ना ही आपको एनुअल फी देनी है। और गाइस बिना किसी इनकम प्रूफ की ये कार्ड जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिल जा रही है। और गाइस सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको HDFC बैंक की ब्रांच विजिट नहीं करनी होगी। आप घर बैठे आप अपनी मोबाइल फोन या लैपटॉप से 5 मिनट के अंदर में इस कार्ड के लिए कंप्लीट अप्लाई करेंगे और गाइस 1 वीक के अंदर आपके घर पे यानी आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट के माध्यम से ये कार्ड जो है कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाती है। और गाइस इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिट को लेकर के मार्केट में तहलका मचा के रखी है। तो फाइनली गाइस अगर आपको भी एक बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की तलाश है तो फाइनली गाइस आप HDFC बैंक की लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपको ये बैंक किस प्रकार से प्रोवाइड करेगी इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस FTP by FTP करके बताया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जहां से आपको HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड कंप्लीट अप्लाई करने की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल करनी होती है, जो मोबाइल नंबर आप अपनी क्रेडिट कार्ड के साथ कंप्लीट लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट पैन कार्ड की नंबर फिल करनी है। पैन कार्ड की नंबर फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको गेट OTP वाले बटन पे क्लिक कर देनी है। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है फाइनली गाइस उस मोबाइल नंबर पे HDFC बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए एक OTP पिन सेंड की जाती है। उस OTP को आप जो है इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे और गाइस OTP फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको एक व्यू दी बेस्ट कार्ड की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गाइस आपको जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप अपनी मोबाइल नंबर को जैसे ही OTP के साथ वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे अगले पेज में आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट नेम फिल करनी है। दोस्तों यहाँ पे नेम कैसे फिल करनी है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट नेम फिल करेंगे, आप अपनी मिडिल नेम फिल करेंगे, आप अपनी लास्ट नेम फिल करेंगे, आप अपनी फुल नेम जैसे ही फिल कर लेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी होती है। आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, यहाँ पे आपकी जो भी जेंडर है यहाँ से कम्प्लीट आप अपनी जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद उसके बाद गाइस आपको अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस फिल करने की ऑप्शन आती है। फाइनली गाइस यहाँ पे आप अपनी कम्प्लीट ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको बतानी होती है कि आप क्या करते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे गाइस आप जो है किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरीड सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी बिजनेस है आप कोई बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे नीचे आपको स्टूडेंट, हाउस वाइफ, रिटायर्ड के भी ऑप्शन मिलती है। फाइनली गाइस यहाँ से आप अपनी कंप्लीट ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन में आप जैसे ही सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की नेम फिल करनी होती है। आप किस कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे कंप्लीट आप अपनी कंपनी की नेम फिल करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं अगर उस कंपनी की नेम इस लिस्ट में नहीं आती है तो फाइनली यहाँ पे आपको एक अदर की ऑप्शन मिलेगी। आप जो है यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट कंपनी की नेम फिल करेंगे। कंपनी नेम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको करंट डिजिग्नेशन पूछी जाती है, यानी कि गाइस आप कौन सी जॉब करते हैं, यानी कि गाइस आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस पर कौन सी पोस्ट पे हैं यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे। या फिर गाइस आपकी बिजनेस है तो आप यहाँ पे कौन सी बिजनेस करते हैं, आपकी बिजनेस जो है पार्टनरशिप में है या फिर गाइस यहाँ पे आपका अपना है, फाइनली गाइस आप उसे कंप्लीट फिल करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे वर्क ईमेल एड्रेस की ऑप्शन मिलती है। फाइनली गाइस आपके पास वर्क ईमेल एड्रेस है तो फिल करेंगे, वरना गाइस आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपसे जो है मेलिंग एड्रेस पूछी जा रही है। फाइनली गाइस यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट मेलिंग एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे इंटर मैन्युअली की एक ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गाइस आप जो है इस बॉक्स के ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप जो भी एड्रेस फिल करेंगे उसी एड्रेस पे आपकी क्रेडिट कार्ड कंप्लीट डिलीवर्ड होगी। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप अपनी एड्रेस जो है बिल्कुल सही से फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप जो है एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आप अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। लैंडमार्क में आपकी एरिया की जो भी पॉपुलर जगह है उस नेम को यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे। उसके बाद आप अपनी कंप्लीट पिन कोड फिल करेंगे। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। गाइस यहाँ पे आप जो भी पिन कोड फिल करिए होंगे उस पिन कोड में यहाँ पे जितनी सारी सिटी होगी आपको कंप्लीट देखने को मिलती है।
यहाँ से आप अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रेसिडेंशियल टाइप की एक ऑप्शन मिलती है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइस यहाँ पे कंप्लीट आपसे पूछी जा रही है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वे घर आपकी खुद का है या फिर गाइस कंपनी प्रोवाइड की है या फिर गाइस हॉस्टल में रहते हैं, रेंट लेके रहते हैं। यहाँ पे फाइनल गाइस काफी सारी ऑप्शन है, फाइनल गाइस आप उसे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आपने जो एड्रेस फिल किया है वही एड्रेस आपकी आधार कार्ड में है यानी परमानेंट एड्रेस वही है। अगर गाइस वही एड्रेस होगी तो यहाँ पे आप जो है एफ कर देंगे। अगर गाइस यहाँ पे अपने जो एड्रेस फिल किया है वे एड्रेस अलग है और आपकी आधार कार्ड की परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप जो है इस बॉक्स को अनटिक करेंगे और वहीं गाइस यहाँ पे इंटर मैन्युअली वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइस आपकी आधार कार्ड की जो भी एड्रेस है आप जो है इस सारी एड्रेस को इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे और गाइस नीचे यहाँ पे चेक बेस्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा है तो फाइनली गाइस यहाँ पे आपको वेट करनी है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आपके सामने तीन क्रेडिट कार्ड यहाँ पे HDFC बैंक ऑफर कर रही है, आपको यहाँ पे तीन कार्ड प्रोवाइड कर देगी। यानी कि मैंने अपनी डिटेल फिल किया है तो यहाँ पे HDFC बैंक मुझे तीन कार्ड ऑफर कर रही है। यहाँ पे HDFC बैंक की इंडियन वाइल क्रेडिट कार्ड और दो क्रेडिट कार्ड और है। दोस्तों यहाँ पे मुझे HDFC बैंक इंडियन वाइल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिकमेंड कर रही है, मुझे यही क्रेडिट कार्ड लेनी थी। फाइनली गाइस यहाँ पे हम इस क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों आप जिस भी क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उस क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पे आप इस कार्ड की कंप्लीट फ्यूचर्स और बेनिफिट के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और गाइस इस कार्ड की एनुअल फी और रिन्यूअल फी यहाँ पे दोनों देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो रुपया है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं देनी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी माइलस्टोन मुझे बताई जा रही है, यहाँ पे एक साल के अंदर में 50,000 रुपये मुझे स्पेंड करनी होगी जो कि गाइस यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम है। यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड से एक साल में 50,000 रुपया स्पेंड कर ही सकता है। उसके बाद गाइस इस पेज को स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे HDFC बैंक की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जिसको आपको इस बॉक्स में टिक करके इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करनी है। इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद गेट दिस कार्ड की एक ऑप्शन मिलेगी, फाइनली आपको जो है इसी के ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देना है। अब देखिए गाइस, आप जैसे ही गेट दिस कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब गाइस यहाँ पे आपको अपनी ऑफिस एड्रेस देनी होती है। फाइनली गाइस यहाँ पे आप अपनी ऑफिस एड्रेस नहीं फिल किया हुआ था इसलिए यहाँ पे आपको अपनी ऑफिस एड्रेस मांगी जा रही है। यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट ऑफिस एड्रेस फिल करेंगे यानी कि जब जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ की कंप्लीट एड्रेस आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल कर देंगे। आपको अपनी ऑफिस की पिन कोड फिल करनी होती है, उसके बाद सिटी फिल करनी होती है, आपकी ऑफिस किस सिटी में है उसे कंप्लीट फिल करेंगे और गई नीचे यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गई यहाँ पे आपकी कंप्लीट जो भी एप्लीकेशन है वे सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। अब गई यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल रही है जिस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप अपने कार्ड को कंप्लीट ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि गाइस इसी एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप अपने कार्ड को ट्रैक करेंगे और पता करेंगे कि अभी आपकी कार्ड कहां तक पहुंची है और गाइस कितने दिन के अंदर में आपके एड्रेस पे ये कार्ड जो है कंप्लीट डिलीवर्ड होती है। अब देखिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करनी है कि आपको अपने कार्ड की कंप्लीट KYC करनी है। KYC कैसे करनी है कि स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। उस OTP को आप अपने मोबाइल नंबर के साथ कंप्लीट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके साथ आपकी कॉल कनेक्ट होगी, वहां पे आपकी कुछ डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा जैसे कि आपकी पैन कार्ड आपकी आधार कार्ड को वहां पे लाइव वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको एक सफेद पेपर पे सिग्नेचर करके दिखानी होगी, उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। आपकी क्रेडिट कार्ड की KYC जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद 1 वीक के अंदर में आपके एड्रेस पे यानी आपके घर पे बाई पोस्ट के माध्यम से इस कार्ड को कंप्लीट डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। अब देखिए आपके अंदर एक क्वेश्चन बन रही होगी कि आप यहाँ पे वीडियो KYC करके क्यों नहीं मुझे दिखाया। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19:45 यानी कि शाम के यहाँ पे 8 बजने वाले हैं। और गाइस आप जब भी यहाँ पे KYC करेंगे तो आप अपनी बैंकिंग टाइम में KYC करेंगे तो यहाँ पे आपकी KYC जो है सक्सेसफुल होने की ज्यादा चांसेस रहती है। जैसे सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आप अपने क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट KYC करेंगे, यहाँ पे 100% उम्मीद रहती है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की KYC कंप्लीट सक्सेसफुल होती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने लाइव आपको कंप्लीट प्रोसेस FT by FT करके बताया कि HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगी और गाइस इस कार्ड की कैसे आपको KYC करनी है ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर पे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं।